बस छह जिंदगियां अलग-अलग तरीके की एक्सट्रीम कोई भी स्म... किसी में भी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है क्या पता प्यार हो क्या पता प्यार ना हो क्या पता दोस्ती हो क्या पता दोस्ती ना हो बहुत ज्यादा हाई है उसको लाइफ में सब कुछ चाहिए एवरीथिंग लेकिन उसे हार्ड वर्क नहीं करती मैं नु नींद ना आवे रातां नु चैन ना आवे रातां एना दूरियां ने मजबूरियां ने खोया दिलबर मेरा फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू भारत 24 बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी लग रही है आप दोनों की बहुत ही खूबसूरत आप दोनों साथ में लग रहे हो और आई सॉ द प्रोमो और प्रोमो uh, बहुत अच्छा है बहुत ब्यूटीफुल है किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं विल स्टार्ट विथ भाई कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल रहे हैं टीजर से ही स्टार्ट हो गए थे और जितना एक्सपेक्ट किया था तो उससे ज़्यादा ही मिल रहे हैं और आज का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स है उससे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि हाँ देर समथिंग बिग इज़ हैपनिंग हम चाहते थे ऑलरेडी कि हो और अब वो होता हुआ नजर आ रहा है सो वी आर वेरी एक्साइटेड और हर ही डिपार्टमेंट में बहुत ही डिटेल में और बहुत बहुत सारे एफर्ट्स लेके काम किया गया है और काफ़ी अच्छा शो बना दिया गया है सो so देखते हैं आपको कैसा लगता है चाहे फैमिली हो फ्रेंड्स हो या फिर आ, सोशल मीडिया हो सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इनफैक्ट प्रोमो देखने के बाद तो हम सभी की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं एक्सपेक्टेड था कि अच्छा अच्छा आएगा आएगा लेकिन इतना प्रोमो अच्छा <laughs> yeah. you know, uh, मैंने ये देखा लाइनअप बहुत ही डिफरेंट है टेलमी mm. uh, आप लोगों को ये स्टोरी कितनी अच्छी लगी जब आपको सुनाई गई mm. और कैसे आपने सोचा uh, mm. देखिए uh, जो कैरेक्टरिस्टिक्स uh, हैं सब कैरेक्टर्स के वो बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत आई uh, थिंक uh, बहुत डीपली उन सब पे वर्क किया गया है एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सबका अपना अपना एक लाइफ uh, है अपना अपना एक ओपिनियन है तो ये जो सब चीज़ें हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हर कैरेक्टर को लेकर इतना इम्पोर्टेंट बनाना और उसके ऊपर इतना वर्क करना इतना डिटेल्ड में काम करना आई थिंक दैट्स सच थिंग या राइट right. और यही इसका प्लस पॉइंट है इतना डिफरेंट होना एक दूसरे का कैरेक्टर से एक दूसरे से और क्योंकि वो इतने डिफरेंट है और फिर जब वो जुड़ेंगे कौन किसके साथ जुड़ेगा वो तो आप हुँ. देखेंगे लेकिन जिस तरीके से जुड़ेंगे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वही सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज छः जिंदियाँ अलग अलग तरीके की एक्सट्रीम कोई भी किसी में भी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है लेकिन सभी ऑपोजिट्स हैं और ऐसे अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे मिंगल होते हैं तो वही अच्छी बात है भाई साथ ही आपकी कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप कौन सा विल स्टार्ट था सो so, इस कैरेक्टर का नाम है वीर सिंह बरार और घर का छोटा बेटा है और छोटा है लेकिन समझ रखता है सारी चीज़ों की और सिंगर है जो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी थी कि जब मैं ये शो साइन कर रहा था बिकॉज मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा गाता हूँ और इस शो में भी बार बार गाने का मौका मिल रहा है और गा के ही आ, सब लोगों के दिलों को खुश करता है वीर और बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से है घर वाले सारे अमीर हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े पहनते हैं बट मैं ऐसा नहीं हूँ मेरे कोई शौक नहीं है ना मैंने कोई घड़ी पहनी है ना मैंने कोई सूट बूट पहना है और ये भी परना है पगड़ी नहीं है परना वो लोग पहनते हैं जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं या फिर सूफ़ी संत होते हैं जिनका भगवान से डिवाइन कनेक्शन होता है सो so, जिससे भी उनका जैसे साहिबा का भी थोड़ा सा स्परिचुअली और आर्टिस्टिकली वो इंक्लाइंड है तो एक वो अलग कनेक्शन है तो हर कैरेक्टर का हर दूसरे कैरेक्टर से ना एक अलग सा ही कनेक्शन है अलग ही डोरी है जो क्या पता प्यार हो क्या पता प्यार ना हो क्या पता दोस्ती हो क्या पता दोस्ती ना हो सो so, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है सीरत जो है वो एक पोअर फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस उसके एम्बिश एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं उसको लाइफ में सब कुछ चाहिए एवरी लेकिन उसे हार्ड वर्क नहीं करना है उसको लगता है कि वो हार्ड वर्क के लिए बनी ही नहीं है बहुत नाजुक है ये सब चीज़ें करेगी तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे या फिर यू नो उसकी प्रायोरिटीज़ सेट हैं कि उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी है करेक्ट और फिर उसने अपनी फैमिली में देखा भी है कि हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता है और उसका मानना है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं उन्हें वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में और बहुत लोग हैं उसके लिए काम करने के लिए और उसके साथ होता भी ऐसे ही आया है तो वो इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है लेकिन सोचती है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है पर लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है करेक्ट और इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है और इस चीज के की वजह से कैसे और जाती हैं हैं वो सब आपको शो में देखने को मिलेगा। hmm. you know, uh, usually हम देखते हैं कि एक दो होते हैं इसमें तीन तीन है हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी इट वॉज टू प्ले दैट आई थिंक डिफिकल्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि uh, जैसे मैंने बताया कि हर कैरेक्टर को बहुत ही डीपली उसके बारे में सोचा गया है उसको चाहे उसका ड्रेसअप हो या फिर आ, उसका बिहेवियर हो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है तो डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था इनफैक्ट मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो तो इससे और बढ़ ही जाती है करेक्ट है। <laughs> है। आप डिफिकल्टी तो है ही नहीं और <clears throat> देखो इंटरेस्टिंग बात तो है कि हम पोस्टर पे आ रहे हैं लीड्स uh, कहला रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है और uh, हम साथ साथ हैं फिल्म है वहाँ पे भी छह लीड्स थे सो so, ये तो और अच्छी बात है कि लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा और जुड़ने के लिए और तारे मिल जाएंगे तो so, अब सिर्फ दो लीड्स नहीं यहाँ पे छह तारे हैं लोगों को जुड़ने के लिए सो देर आर अलॉट ऑफ मोर रीजन टू बी कनेक्टेड टू आर शो करेक्ट भाई हमने देखा कि आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं कुछ एक गाना हो जाए कुछ अच्छा <laughs> के बारे में इतना ना गागा के और हंस के मेरा गाला थोड़ा सा खराब हो गया बट फिर भी गाएंगे तो हम सही <coughs> कौन सा गाना गाऊंगा बता पंजाबी कोई आ। आ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਦਿਲਬਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਫੇਰ ਆ ਪਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ हां जी वानू पीने दीगर बड़े लग लगदी फैंटास्टिक भाई <laughs> क्या वॉइस है पीछे से जो मेरे बड़े भाई है ना, ना, है ना, ना, ना बहुत ना कुछ ना कह, ना। कह रहे थे <laughs> बिना ऑटो ट्यून के इतना अच्छा वॉइस <laughs> बहुत ही प्यारा है अच्छा, अच्छा इससे या मैं या एक और बात याद दिला दूं कि अभी अभी फोर्थ एपिसोड में अब आता रहेगा ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने इन शो के लिए प्रॉपर्ली उन्होंने रिकॉर्ड किया है गाना वीडियो शूट भी हो चुका है so we are going to definitely promote that And song very soon उन्होंने बहुत ना इन्होंने गाया है बहुत बहुत अच्छे से गाया यू you नो know, uh, lastly audience को कैरेक्टर्स को बोलना चाहेंगे जो already already teaser को इतना प्यार दिखा रहे हैं और show को इतना प्यार दिखाने वाले आई एम श्योर दिखाने वाले हैं ना इतना तो हम पूरा कॉन्फिडेंस आप से आपसे हक मांग रहे हैं कि चुप करके आ जाओ चुप चुप चुप. अब चुपचाप अब टाइम आ गया आपका हमारी मेहनत मतलब देखेंगे वो भी यस yes, प्लीज आप देखिए बहुत कुछ है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था पिक्चर अभी बाकी है तो देखना ना भूलिए मंडे टू संडे 7 पी एम ओनली ऑन स्टार प्लस फोर्थ जनवरी इट इज गाइज थैंक यू